पानीपत में एक तेंदुए का तांडव देखने को मिला है, जहां बहरामपुर के खेतों में तेंदुआ दाखिल होता है और तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरीके से तेंदुआ लोगों पर हमलावर है। तो मार लिया। वन विभाग की टीम तेंदुए को काबू करने की कोशिश में है और जरा देखिए इन तस्वीरों को। तो मार लिया। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस तेंदुए पर काबू पाया जा सका। तो मार लिया। ये देखिए तस्वीरों से अंदाजा लगाइए कितना खतरनाक ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन रहा होगा, जहां खुले में तेंदुए को पकड़ने की कोशिश, बहरामपुर के खेतों में तेंदुआ आया, उसके बाद कैसे लोगों पर हमलावर रहा। ये वन विभाग की टीम है जो जान पर खेल करके इस तेंदुए को 5 घंटे की मशक्कत के बाद काबू कर पाई। देखिए अपने रफ्तार के लिए जाना जाता है तेंदुआ, और ऐसे में जब शिकायत मिली तो टीम पहुंची और टीम ने करीबन 5 घंटे का संघर्ष किया, तब जाकर के कामयाबी मिली। वाकई रेस्क्यू करने वाली टीम ने बड़ी जाबाजी के साथ इस तेंदुए का सामना किया, क्योंकि लगातार हमलावर रहा यह तेंदुआ। 5 घंटे तक रेस्क्यू के इस ऑपरेशन में सफलता मिली। वन विभाग की इस पूरी टीम को बहरामपुर के खेतों में तेंदुआ आने की खबर के बाद वन विभाग की टीम पहुंची, लेकिन टीम पर किस तरीके से ये तेंदुआ हमलावर रहा जरा देखिए आप। येलो टी शर्ट में जो वन विभाग कर्मी दिखाई दे रहा है उसके ऊपर हमला करता है, उसके बाद वो लगातार बाकी लोगों पर भी हमलावर होता हुआ आगे बढ़ता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि टीम ने बड़ी जाबाजी के साथ इस तेंदुए का सामना करते हुए इस पर काबू पा लिया है। हालांकि इसमें 5 घंटे का स्ट्रगल सामने आया और इतना आसान नहीं होता है ये रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसकी तस्वीरें ये बानगी है। आप देखिए किस तरीके से ये तेंदुआ लगातार हमलावर रहा, लेकिन टीम ने हिम्मत नहीं हारी। यहां वन विभाग की पूरी टीम लगातार लगी रही, 5 घंटे के संघर्ष के बाद कामयाबी मिली, इस तेंदुए को काबू में किया गया। देखिए ऐसे में वन विभाग की टीम ट्रैंक्विलाइज करने की भी कोशिश करती है, लेकिन जो रफ्तार है उससे बेहद मुश्किल है, और जान पर खेल करके पूरी टीम ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस तेंदुए को काबू में किया। तो देखिए खेतों में घुसा था ये तेंदुआ, जिसकी शिकायत ग्रामीणों से मिली। खतरनाक तेंदुआ, क्योंकि एक बार आदमखोर होने के बाद ऐसे जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में गांव में घूमना बेहद खतरनाक हो जाता है। ऐसे में भूमिका आती है वन विभाग की, जिसकी टीम ने पहुंच करके किस तरीके से रेस्क्यू किया, आप देखिए इन तस्वीरों को। तो मार लिया।